नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस समय हम खड़े हैं कैथल रोड पर, जो लालो साहेब गुरुद्वारा है उसके बिल्कुल नज़दीक, उसके साथ जो नहर है वहां पर एक लड़के के डूबने की आशंका बताई जा रही है, क्योंकि उसकी बाइक और उसकी जो चप्पल है वो नहर के नज़दीक मिली है। पूरा वाक्या हम आपको बताते हैं कि नवीन नाम का 23 से 24 साल का लड़का, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उसकी तस्वीर है, जो वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला है। कल सुबह वो अस्पताल जाता है, हल्का उसे खांसी जुकाम होता है, इसके चलते वो एक निजी हॉस्पिटल में जाता है और उसके बाद वो जब घर पर आता है तो वहाँ पर उसके मन के अंदर एक भय रहता है कि खांसी जुकाम है, कहीं उसका जो परिणाम है वो कोरोना पॉजिटिव ना निकल जाए। और उसके बाद वो कल रात को 10 बजे अपनी बाइक उठाकर घर से चला जाता है, शहर की तरफ चला जाता है। और उसके बाद जब पूरी रात वो घर पर नहीं आता है, उसके बाद उसके परिवार के लोग, उसके परिजन जो है, उसे अलग अलग जगह जाकर ढूंढते हैं। उनमें से ही उनके परिवार के कुछ सदस्य इस नहर के नज़दीक आते हैं, कैथल पुल के पास जो नहर है वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उसकी बाइक और चप्पल मिलती है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसने इस नहर के अंदर छलांग लगा दी है। उनके परिवार के सदस्य भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह भी मौजूद हैं। आप उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या जानकारी थी, कब वो गया था घर से? परसों डॉक्टर के पास गए होंगे, ये दवाई ली है उसने, और ना कोई ये भी निकाह कि भाई उसका कोरोना ही है, और ना बोला था भाई नॉर्मल था, कोई बात नहीं दवाई ले ले ठीक हो जाएगा, बाकी उसका पता नहीं क्या दिमाग में आई क्या नहीं दिमाग में आई, और ना बोला हमारे से अगर भाई मैं ज़्यादा बीमार हूँ, मगर कोई बात नहीं और कहीं दिखवा देंगे, तो ना मगर दिक्कत क्यों मान रहा है तू इस चीज़ की, कहने लगा चल ठीक है दिखवा दियो। रात को पता नहीं जी उसका क्या सूझा क्या नहीं सूझा, लेकर मोटरसाइकिल किसी से नहीं बोल के गया घर में, लेकर आ गया कल रात को। हाँ जी 9 बजे के करीब आ गया जी, हमने ढूंढा मिला नहीं जी, फिर सवेरे मिला जी हमने 9 बजे, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नंगे का देख वहाँ जा रहे थे जी, वहाँ से देखी मोटरसाइकिल तो यहाँ खड़ी है, मैंने मोटरसाइकिल का भी नहीं पता था जी भाई कौन सी मोटरसाइकिल है उसके, और नंबर लिखवा के ला रहा था मैं छोकरे पर, मगर भी नंबर लिख दे, नंबर लिया कर ना उसके मोटरसाइकिल के साथ मिलाया, और इन्हें बोला भाई उसकी माता की चुन्नी ही बंद रही थी जी उसके मोटरसाइकिल के, वो चुन्नी से पिछाड़ी, फिर वो पर्ची काट के देखी जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, पर्ची काट के देखी ये था मेरे साथ, मैं कहा देखियो भाई कवाई यही है ना, मैं कहा यही है। उसके बाद तो क्या काम करता था नवीन जी? शोरूम में लगा हुआ था, शोरूम में लग रहा था जी, दाड़ी मजदूरी कर रहे हैं जी। शादीशुदा था? हाँ जी, 2 बच्चे हैं जी छोटे छोटे, एक इतना बड़ा। पुलिस पहुंची है फिलहाल मौके पे? हाँ जी, गोताखोर वगैरह भी आए? कोई गोताखोर अभी तक आया नहीं है सर, यहाँ पे हमें सख्त जरूरत है गोताखोर की, हमारे भाई के लिए स्पेशल आने चाहिए यहाँ पे कोई ना कोई, ये हमारी मीडिया से मांग है, हमारा भाई ढूंढ लेके नहीं यहाँ पे, प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी। क्या तो हल्की खांसी जुकाम थी, उसने परिवार वालों को बताया होगा, आपने समझाया? जुकाम था सर उसको, बिल्कुल नॉर्मल खांसी जुकाम था, कोई कोरोना का ऐसा कोई ऐसा वो प्रभाव नहीं था। किसी को भी हो जाता है खांसी जुकाम? हाँ जी सर, किसी को भी खांसी जुकाम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं था उसके अंदर, उसको तो बस डॉक्टर ने वैसे ही डरा दिया जान करके, अब वो जानता है कि भाई दवाई लेके आया था कि नहीं लेके आया था, उससे हमारे को तो बोला था कि मैं दवाई लेके आया हूँ भाई, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसके बाद हम बोले कि भाई हम डॉक्टर को तेरे को दूसरे डॉक्टर से दिखाएंगे, अगर यहाँ नहीं बात बन रही है तो दूसरे डॉक्टर को दिखा देंगे हम आपको। तो वो कल रात 9 बजे के बाद हमें कुछ नहीं बोल के गया। कहीं वो पिछले दिनों कहीं बाहर दिल्ली वगैरह भी गया था? नहीं गया सर, वो उसके पास जाने के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि भाई वो यहाँ से करनाल से बाहर गया हो, कहीं ट्रैवल किया उसने, आज तक वो यहीं था, जब से लॉकडाउन लगा कहीं भी नहीं गया वो सर। तो इसलिए हमें प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश करवाई जाए। गोताखोर बोला? हाँ जी।
तो आप समझ सकते हैं ये संदेश इस खबर के माध्यम से आम जनता तक ये भी पहुंचाना है कि अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, हल्का बुखार है, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम होता है इसमें कई बार देखने को मिलता है कि हम धूप में इतना घूमते हैं और उसके बाद घर में जाकर ठंडा पानी पी लेते हैं या एसी की हवा में, कूलर की हवा में बैठ जाते हैं, तो कई बार हमारा जो बुखार है वो भी आ जाता है। तो ऐसे में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वो नॉर्मल सी बात रहती है। और ऐसे में नवीन की तरफ से एक कदम उठाया जाता है कि वो अस्पताल जाता है, वहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे खांसी जुकाम है, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, एक भय बैठ जाता है कि कहीं उसे कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, ऐसा भय। और उसके बाद वो घर से बाइक उठाता है, बाइक उठाने के बाद वो घर से गायब हो जाता है, चला जाता है। और जब परिवार के लोग, तमाम लोग आकर अलग अलग जगह उसे ढूंढते हैं, तो कैथल रोड पर लालो साहिब गुरुद्वारा के नज़दीक जो नहर है वहाँ पर उसकी बाइक मिलती है, उसकी चप्पल मिलती है। फिलहाल गोताखोर मौके पर नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन से उनके परिवार के लोगों की यही अपील है कि गोताखोर मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द उसे ढूंढने का प्रयास किया जा सके। तमाम उनके परिवार के लोग यहां पर हैं, पुलिस भले ही पहुंच गई हो लेकिन गोताखोरों का पहुँचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नवीन को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। शोरूम पर वो काम करता था, 23 साल उसकी उम्र थी, 2 बच्चे हैं। आप लोगों से अपील है कि ऐसा कदम ना उठाएं, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें। तो आप देख सकते हैं नहर में पानी का भाव किस तरीके से जो है काफ़ी तेज़ है, और जो अभी तक परिवार वालों की जो है शंका जताई जा रही है, नवीन जिसकी उम्र 23 से 24 साल बताई जा रही है, मैं एक बार फिर से आपको उनकी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। नवीन जिन्हें की खांसी जुकाम था और वो डॉक्टर को दिखाने गए और डॉक्टर ने नॉर्मल चेकअप के बाद जो है उनका नंबर नोट किया, क्योंकि आजकल अगर हम किसी भी क्लिनिक की, नॉर्मल क्लिनिक की भी बात करें, वहाँ पर भी ये गाइडलाइंस जो है दी गई हैं कि आपके पास कोई भी अगर पेशेंट आता है तो आपको उनकी डिटेल्स नोट करनी है। तो डॉक्टर द्वारा जो है नवीन से भी उसका फोन नंबर मांगा गया, लेकिन घर आने के बाद जो है नवीन घबरा गए कि उनसे उनका फोन नंबर लिया गया है, कहीं उन्हें कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए, वो टेस्ट कैसे करवाएंगे। और इसी घबराहट के चलते जो है रात को 9-10 बजे के करीब वो अपने घर से निकल जाते हैं और परिवार वाले जहां काफी देर से उन्हें ढूंढते ढूंढते जो है कैथल रोड पर जो नहर है उसकी साइड पटरी पर जो है आकर उन्होंने देखा कि नवीन की बाइक और चप्पलें जो है यहां पर साइड पर पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, रिश्तेदार सभी मौके पर मौजूद है। एक बार हमारे साथ जो यहाँ पर जांच अधिकारी हैं वो मौजूद है, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे, इसे क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है। हमारे पास टेलीफोन आया था भी वहाँ नहर में कोई बंदा डूब गया, जाकर तसली करो कौन कहाँ का, हम यहाँ आए तो पता लग गया नवीन नाम का लड़का है जिसकी उम्र 22-23 साल बताई गई है और उसकी बाइक और चप्पल यहाँ थी, जो हम मौके पर आकर पता करें माल टाउन से है, वाल्मीकि बस्ती से। क्या कुछ कारण सर पता लगा अभी तक कि ऐसे क्यों यहाँ पर? ना अभी ऐसा कोई कारण नहीं पता लगा, कारण तो सिर्फ इतना पता लग गया भाई कोई मेडिकल जांच कराई थी जो कोरोना के, उसमें ये पता लग गया उसका कोरोना था या नहीं था या किस बेस पर कैसे डूब गया, या अभी कोई गोताखोर सर मौके पर हाँ इतला दे दिए, गोताखोर मौके पर लग रहे हैं, अभी पहुँच जाएंगे। ऐसे तो सब मौके पर आग जा लिए थे और दोबारा आने लग रहे हैं गोताखोरों को लेकर। तो ये आपने देखा धर्मवीर सिंह जी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से उन्हें जब जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है एक बाइक और चप्पल मिलती है तो तुरंत हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार गोताखोर जो है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ज़रूर हैं, परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कल रात 9-10 बजे से जो है नवीन अपने घर से निकला हुआ था, कुछ और परिजन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, कब निकले थे नवीन घर से और क्या कुछ कहते हैं? 9:30 बजे घर से। क्या कुछ कारण था पता लगे कि निकले घर से? घर में तो कोई बात नहीं थी, मतलब थोड़ा खांसी जुकाम हो गया था उसका, तब ना दवाई दू लिया था डॉक्टर पे, डॉक्टर बोले भाई अपना तो फोन नंबर दे जा, हो सकता रख दे शिका तू, तो उसको बात चप गई, उसको शादीशुदा था, 2 बच्चे 5 साल शादी हो गए, तो 4 साल का जी बड़ा, 2 साल का छोटा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से दवाई ली थी? ना ना, ये छोटे बाजार में नहीं, अंदर प्राइवेट से। अच्छा, वहाँ से दवाई ली। हाँ, क्या काम करते थे? वो जी इसमें सिविल अस्पताल में नहीं, बड़ा कपड़े का, इसमें सफाई सफाई करते थे।
तो ये आपने देखा, नवीन के परिजन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम सभी हमारे व्यूअर्स से एक अपील करना चाहेगी, जहाँ बार बार हम लोग आपसे यही अपील करते हैं कि अगर किसी को भी चाहे कोरोना पॉजिटिव आता है या वो टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। काफी बार देखा जाता है कि लोग अगर टेस्ट करवाने भी जाते हैं तब भी आस पड़ोस के लोग जो है उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या काफी लोग ऐसे भी हैं जो रोजाना जो है लोगों को कहीं ना कहीं एक डर जो है लोगों में जरूर बरकरार रख रहे हैं। महामारी है, आपको डरना चाहिए, लेकिन डर इस लिमिट तक होना चाहिए कि आप लोग अपना ध्यान रख सकें। इतना डर नहीं बढ़ना चाहिए कि आप लोग उसका इतना कोई जो है बड़ा कदम उठा लें, क्योंकि जैसा कि परिवार के लोगों का हालांकि भी कहना है कि नवीन ने जो है नहर में हो सकता है कि शायद उन्होंने छलांग लगा ली हो। उनके दो बच्चे हैं, पत्नी है, 5 साल पहले उनकी शादी हुई, 4 साल का उनका बड़ा बच्चा है, 2 साल का छोटा बच्चा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं परिवार वालों पर क्या इस समय बीत रही होगी। तो बार बार हमारी आप लोगों से अपील एक ही रहती है कि इस बीमारी को समझ कर हमने सिर्फ अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम है तो उसको हमने डर उससे डर कर जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है, हमें नॉर्मली जाकर चेकअप करवाना है। ये जो गाइडलाइंस डॉक्टर्स को दी गई हैं, आप लोग अगर किसी भी क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी अपनी बेसिक दवाई लेने भी जाते हैं तो भी आपकी डिटेल्स नोट करना जरूरी है। ये गाइडलाइंस डॉक्टर्स को दी गई है ताकि एक हिस्ट्री जो है वो ट्रैक की जा सके कि कितने पेशेंट्स रोजाना आए हैं, कहाँ से वे आए हैं, क्या कुछ उनकी जो है हालत है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से घबरा कर, क्योंकि जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि कल नवीन हालांकि सुबह पहले डॉक्टर के पास गए थे, उन्हें खांसी जुकाम था, डॉक्टर से जब दवाई लेने गए तो डॉक्टर ने जो है उनसे भी उनका नंबर जो है वो नोट करवाया, और नवीन का नंबर नोट करने के बाद जब वे घर पर आए तो उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि उनको खांसी जुकाम है, उनका नंबर नोट करवाया गया है तो कहीं उनका कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए, और इसी डर के चलते जो है रात को 9 से 10 बजे नवीन अपने घर से निकल जाते हैं। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान ज़रूर थे, और जब सुबह वो उन्हें ढूंढने के लिए निकले तो यहाँ कैथल पुल के ऊपर जो नहर है उसकी साइड पटरी पर जो है उन्हें नवीन की बाइक और यहाँ पर उनकी चप्पलें मिलती हैं, और उसके बाद हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, सिविल लाइन थाना SHO जो है वो भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन गोताखोर अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय ताकि नवीन को जो है जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। तो हमारी आप लोगों से एक बार फिर से अपील यही रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको अंत में नवीन की तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जिनकी उम्र जो है 23-24 साल बताई जा रही है। 2 बच्चों के पिता थे ये, 1 4 साल और 1 2 साल जो है इनके बच्चों की उम्र बताई जा रही है। 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी, और नॉर्मल खांसी जुकाम होने के बाद एक डर के चलते जो है ये अपने घर से निकल गए। तो एक कहीं ना कहीं अंत में दोबारा से हम अपील यही करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर डाइट अच्छे से लेनी है, अपना ध्यान रखना है ताकि हम लोग जो है जल्द से जल्द रिकवर कर सके। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हमें इस तरीके से कहीं ना कहीं नहीं निकालना है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इस महामारी से डर कर नहीं बल्कि स्ट्रांग बनकर इससे लड़िएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।